एंटर करते हो तो आप जब स्तूप के अंदर आप जाते हो सकते हो कि अंदर की ओर पूरा अंदर जाता है, सूर्य प्रकाश अंदर जाता है, इफेक्ट है सूर्य किरण की इफेक्ट है, जो है इकोसिस्टम बनाया गया। बुद्धं शरणं गच्छामि। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे टोटली आवाज इको होता है और बाहर तक ये सुनाई देता है। जो आप डोर देख रहे हो, यहाँ से आप गोल घूम के यहाँ पे बाहर आ सकते हो, मतलब प्रदक्षिणा जो होती है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। चैत्य ग्रह में कुल मिला के 26 पिलर है, अष्टकोणी, पूरी चारों ओर से मुलायम है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में जो है चैत्य ग्रह और दोनों के बाजू में स्तंभ, ये हारमोनिका है और ये रहा स्तूप जहाँ पे वेदिका की पट्टी ऊपर आपको दिखाई दे सकती है। लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं। आप शुरुआत में देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में एक यहाँ पे एक रूम बनाई गई है, किस वजह से है ये तो पता नहीं लग पा रहा, लेकिन यहाँ पे रूम्स बनाई गई है। अगर चैत्य ग्रह को देखते हो तो जो पीपल का पेड़ होता है उसके प्रकार की जो पीपल की नक्शी कला है, और बीच में जो है कि फ्लावर्स की डिजाइंस यहाँ पे बनाई गई है, अलग अलग डिजाइंस यहाँ पर बनाई गई है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे जो देख सकते हो कि एक डिज़ाइन यहाँ पे फ्लावर जो होता है वो बनाया गया है, और जब सूर्य प्रकाश अंदर आता है तो इस प्रकार का कुछ दृश्य आपको इस चैत्य ग्रह में यहाँ पे दिखाई देता है। दूर से इस प्रकार से दिखाई देता है चैत्य ग्रह, इसलिए अगर आप दूर से इसे देखते हो तो तुरंत पहचानने में ये लेनी नहीं आती है, और जैसे ही हम भीतर की ओर चल देते हैं तो इस प्रकार का नज़ारा आपके सामने खड़ा हो जाता है। और ये संरक्षित की गई लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखने के बाद और एक जो यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे पीने की टैंक जो बहुत ही स्वच्छ है, अभी भी पीने लायक पानी है इसके अंदर। सामने बैठने के लिए यहाँ पे या विश्राम करने के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है, बहुत ही सुंदर ऐसी ये लेनी है।